हेलो फ्रेंड्स, मैं एमजे सिद्दीकी आज के इस नए वीडियो एग्जाम्स टिप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि एग्जाम्स में कैसे लिखा जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो चंद टिप्स मैं आज आपको देता हूं। सबसे पहले, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग गलत है तो दोस्तों इंप्रेशन चेक करने वाले पर गलत मिलता है, तो सबसे पहले आप अपना हैंड राइटिंग सुधारिए। टिप्स नंबर टू, जब भी आप याद करें, कोई भी चीज को याद रखिए, तो याद रखिए सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो होती है, वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। पेपर में आपको लिखना है, इसलिए जितने बार आप याद करें उसको लिख लिख कर याद करें। लिख कर याद करने से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और आप भूलेंगे नहीं। टिप्स नंबर थ्री, जब कभी भी आप पढ़ने बैठें तो एक डिसाइडेड माइंडसेट बना लें कि मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय एडिशनल लग जाए, उस डिसाइडेड मटेरियल को याद किए बिना, लिखे बिना आप उठे मत। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उससे रिलेटेड, चाहे सॉल्व पेपर से हो, चाहे स्कूल से हो, कॉलेज से हो, जितने भी प्रीवियस आपके नोट्स हैं पेपर से रिलेटेड, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर याद कीजिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टिप्स नंबर पांच, आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कीजिए, कभी भी अकेले पढ़ाई मत कीजिए। अपने सिलेबस को बांट दीजिए कि मेरा दोस्त ये पोर्शन पढ़ेगा, मैं ये पोर्शन पढ़ूंगा, फिर आपस में आप डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे को समझाइए, याद कीजिए, लिखकर देखिए और एक दूसरे से चेक कराइए, तो उसमें गलतियां निकलेंगी और आपका जो मार्क्स है वो बढ़ेगा और उससे ग्रुप स्टडी के बहुत से फायदे होते हैं, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। टिप्स नंबर छह, जब कभी भी आप याद करें, कोई चीज पढ़ें, तो उसके पूरे नोट्स बना लें, उसके पॉइंट्स बना लें, उसके चार्ट्स बना लें, मैथ्स के फॉर्मूले को लिख लें एक अलग से पेपर में, और उसके बाद जहां कहीं आपका ध्यान ज्यादा जाता है, किसी अलमारी में या आईने के पास, वहां पर उनको चिपका लीजिए, चलते फिरते उसको पढ़िए। उसकी एक फोटो मोबाइल पर भी ले लीजिए, जब आप खाली हैं तो मोबाइल के जरिए, मोबाइल की फोटोज के जरिए उसको आप पढ़िए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टिप्स नंबर सेवन की, जो डू एज डायरेक्टेड आते हैं या मैच द फॉलोइंग आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसको हमेशा याद रखिए कि कभी भी पेपर में भूल कर भी सिर्फ आंसर मत लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके आंसर के नीचे अंडरलाइन कीजिए, वरना मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। कई मरतबा तो चेक करने वाले पूरी तरीके से काट देते हैं, क्योंकि अधूरा आंसर है, तो पूरे प्रश्न सहित लिखिए उनको। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टिप्स नंबर आठ, मेमोरी टेक्निक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप याद कर रहे हैं वंडर ऑफ साइंस, तो उसमें आपने याद किया कि साइंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन मेडिकल, कंट्रीब्यूशन साइंस इन एग्रीकल्चर फील्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन एजुकेशन, दैट मीन्स मेडिसिन एम, एग्रीकल्चर ए, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी टी, एजुकेशन ई। तो आप इसका एक शॉर्ट बना लीजिए, एम ए टी ई, तो मैट याद रखने से वो चारों पॉइंट्स आपके याद आ जाएंगे और चार पैसेज आप लिख सकेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन पॉइंट्स को आप प्रैक्टिकल शेप अप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मार्क्स को गेन कीजिए, इस दुआ के साथ कि ईश्वर आपको कामयाबी दे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले और आपका कैरियर अच्छा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।